उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा फिर से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और फिल्म 9 जून को रिलीज होगी, जिसको लेकर दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। गदर तारा सिंह और सकीना की पुरानी यादों को ताजा करेगी। वहीं अशरफ अली से सकीना को छुड़ाने से लेकर हेडपंप तक उखाड़ने के सारे सीन एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि निर्माता इसे 9 जून को ही क्यों रिलीज कर रहे हैं? तो आज हम आपको बताते हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी एक बार फिर से धमाल मचाएगी, क्योंकि 11 अगस्त को गदर 2 आ रही है, लेकिन इससे पहले 9 जून को पहला पार्ट फिर से रिलीज हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी दिन अमीषा पटेल यानी सकीना का जन्मदिन है। ऐसे में मेकर्स ने इसके लिए खास दिन को चुना। अमीषा पटेल की बात करें तो अमीषा पटेल ने गदर में सकीना बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनके डायलॉग से लेकर मासूमियत तक आज भी सबको याद है। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा उस समय बॉलीवुड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा अमरीश पुरी भी अहम भूमिका में थे। मुख्य रूप से तारा के इर्द गिर्द घूमती है। तारा सिंह अमृतसर का एक सिख ट्रक ड्राइवर, जिसे पाकिस्तान के लाहौर में एक राजनीतिक परिवार की लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। बाद में भी अपने प्यार को पाने के लिए दुश्मनों का सामना करता है। हिट के 22 साल के बाद गदर 2 रिलीज होगी। सीक्वल को लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में फिल्माया गया था और ये फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, आप दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।